स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शाजापुर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश बन गया है और महाकाल लोक में भारी भ्रष्टाचार किया गया है और चुनाव से सतपुड़ा भवन में लगी आग पर कई सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में बाहर के निवेशक निवेश करने से घबराते हैं, यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही गैस सिलेंडर 500 में दिया जाएगा, किसानों की कर्ज माफी दोबारा शुरू की जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। टिकट वितरण को लेकर कमलनाथ के साथ किया गया सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा और स्थानीय प्रत्याशी को प्राथमिकता मिली जाएगी। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि मुझे कोई पटा नहीं सकता, मुझे पूरे प्रदेश की खबर है। कमलनाथ ने शाजापुर विधानसभा के अकोदिया में मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया और मंडी प्रांगण में आम सभा को संबोधित किया। कमलनाथ के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान काफी अव्यवस्थाओं और धक्का मुक्की देखने को मिली। पूरे आयोजन के दौरान स्थानीय विधानसभा में टिकट के दावेदार प्रत्याशियों के बीच पोस्टर होर्डिंग लगाने को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। जिसमें से ढाई महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नियम का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी, हमने कृषि क्षेत्र की शुरुआत करी, आचार दिया, आपने भर्ती घोटाला दिया, माफिया नाम दिया, बाल अपराध किया, आदिवासी अत्याचार किया और एक और चीजें दी, घर घर में शराब थी, ये शिवराज से थी, घर घर में शराब थी, ये आज आप सबके सामने। मैं तो आज आपसे सबसे ज्यादा नहीं, इसमें सब चीजों का आपका दबाव, क्योंकि समर्थन मूल्य की बात है, समर्थन मूल्य को केंद्र सरकार तय करता है, उसके ऊपर देने की बात है। प्रस्ताव को प्रस्ताव से क्या होता है, ये प्रस्ताव करना तो सबसे आसान काम है, मैं तो देने की बात करता हूँ, मैंने प्रस्ताव पास नहीं करता मैं। और जब मैंने कहा था 100 रुपये